डेंटल इम्प्लांट जो होती है ये होती है एक शल्व क्रियात्मक त्वत, मीन्स लाइक इट्स अ सर्जिकल कॉम्पोनेंट, जिनकी दांत मिसिंग होती है। जैसे कोई दांत खो गया है किसी भी कारण, लाइक किसी का एक्सीडेंट हो गया है या दांत गिर गया है, इसमें हम लोग ये डेंटल इम्प्लांट्स लगा सकते हैं। इस डेंटल इम्प्लांट्स बनते हैं आपके टाइटेनियम मटेरियल से। सो इस टाइटेनियम मटेरियल बोन में डाला जाता है और बोन में डालने के बाद उस पे क्राउन, ब्रिज और डेंचर जिसे बोलते हैं वो हम लोग स्क्रू करके, स्क्रू मतलब उसको फिक्स करके इम्प्लांट के साथ उसको लगा सकते हैं हम लोग। एंड इट्स इट विल बी लुकिंग लाइक अ सिंपल टीथ, मतलब नॉर्मल जो हम लोग के दांत होती है, दांत जैसे दिखने में होती है, पर दैट विल बी आर्टिफिशियल, पर बाहर से देख के मालूम नहीं चलता है ये कोई नकली दांत है। ये होती है डेंटल इम्प्लांट्स। और डेंटल इम्प्लांट्स किसी भी उम्र में लगा सकते हैं, बट जिनका बोन ग्रोथ मतलब हड्डी का जो पुष्टि हो चुकी है उनको लगा सकते हैं। हम लोग रिकमेंड करते हैं मेनली 18 साल की उम्र से हम डेंटल इम्प्लांट लगा सकते हैं। पर कभी कभी दिखा गया है कि कोई भी लड़कियां, जैसे जो गर्ल्स होते हैं इनका ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं, मतलब इनका जो ग्रोथ होते हैं वो कभी कभी लड़कों से पहले होती है। तो कभी कभी अगर बोन ग्रोथ, हड्डी का जो ग्रोथ होती है वो अगर 18 साल से पहले हो जाती है, सपोज 16-17 साल में, तो उसमें इम्प्लांट लगा सकते हैं। किसी भी उम्र मतलब 80 साल 90 साल किसी भी उम्र तक हम इम्प्लांट लगा सकते हैं। ब्रिज क्राउन होती है एक सिंगल दांत, एक सिंगल नकली दांत अगर इम्प्लांट पे लगाया जाता है उसी को क्राउन बोलते हैं। अगर किसी का दांत में कीड़ा लग गया है, कैविटी हो गया है, उसमें अगर रूट कनाल करके जैसे एक कैप चराते हैं उसको क्राउन बोलते हैं, वैसे ही एक सिंगल इम्प्लांट के ऊपर आप कैप चरा सकते हो जो स्क्रू करके लगाया जा सकता है, तो इसी को बोलते हैं क्राउन और कैप। ब्रिज होती है अगर 2-3 दांत एक साथ रिप्लेस कर मतलब किया जाता है, जैसे 2-3 दांत मतलब सपोज एक पेशेंट का एक दांत नहीं है 3 जगह पे, आई मीन टू से देखिए ब्रिज मतलब 2 दांत के सपोर्ट से 3 दांत बनाया जा सकता है, इसको कहते हैं ब्रिज। और डेंचर मतलब आप जो आप देखे हो, डेंचर मतलब खोलने निकलने वाला जो दांत होती है, जैसे खोल के पानी में रखा जाता है फिर पहनते हैं, उसको क्या होता है वो गम्स के ऊपर बैठते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, जो नॉर्मल लोग बनाते हैं गम्स पे, रात को खोल के रखते हैं फिर सुबह पहनते हैं और खाने के टाइम पहनते हैं। ये डेंचर इम्प्लांट में स्क्रू देके फिक्स कर सकते हैं, तो खोलने निकालने का वो टेंशन नहीं रहता है और वो मुंह में रह जाते हैं, आप कुछ भी खा सकते हो उस डेंचर को पहन के भी। पहले जो है बोलते हैं इंडस्ट्रियल इम्प्लांट्स, इंडस्ट्रियल इम्प्लांट जो नॉर्मल इम्प्लांट होती है, पहले जब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आते हैं, कोई मरीज आते हैं के पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा दांत नहीं है, उसको लगाना पड़ेगा, हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हम इम्प्लांट के ऑप्शंस देते हैं। पहले डॉक्टर साहब जो है पेशेंट का मतलब देखेंगे, पहले चेकअप करेंगे कि कितना दांत चाहिए, अगर इम्प्लांट वेदर द इम्प्लांट इज फिजिबल और नॉट विद द पेशेंट, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उनका कोई डिजीज है या नहीं, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब डिजीज है या नहीं पहले चेक करेंगे, फिर उनको स्कैन करने भेजेंगे। इट इज कॉल्ड द सीबीसीटी स्कैन। वो सीबीसीटी स्कैन जो होते हैं कोन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी बोलता है, वो सीबीसीटी स्कैन बता देगा हड्डी कितना है, हड्डी का टाइप क्या है, उसका चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है, उसी के हिसाब से हम लोग इम्प्लांट मंगाते हैं। और उसी को पहले दिन जो सर्जरी होता है वो 1-3 आवर्स का सर्जरी होता है सिंगल इम्प्लांट का, वो सिंगल इम्प्लांट हड्डी में डाल देंगे। बिठा देने के बाद उसको 3 महीने के लिए छोड़ेंगे। 3 महीने के लिए इसलिए छोड़ेंगे, देयर इज समथिंग लाइक अ प्रोसेस कॉल्ड ऑसियो इंटीग्रेशन, मतलब हड्डी और इम्प्लांट साथ में जोड़ेंगे। साथ में जोड़ने के बाद 3 महीने में जब हार्ड हो जाएगा, हम पेशेंट को बोलते हैं आप आ जाइए, बुलाने के बाद उस पे नाप लिया जाता है, नाप लेने के बाद उसको लैब में भेजा जाता है, लैब में भेजा जाने के बाद दांत जब बन के आते हैं आर्टिफिशियल टीथ, उसको हम स्क्रू के द्वारा अंदर इम्प्लांट पे टाइट करके बिठा देते हैं, तो पेशेंट सब कुछ खा सकते हैं। दूसरे टाइप का इम्प्लांट होते हैं जिसे बोलते हैं
इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट और द बेजल इम्प्लांट, वो क्या होता है, वो तीन दिन में दांत हम लोग दे सकते हैं। वो हम इम्प्लांट अगर दांत निकाल दिया, मतलब उसी टाइम पे कोई दांत निकाला या कोई दांत पहले निकाल चुके हैं, उसमें हम डालते हैं वो इम्प्लांट, डालने के बाद उसका नाप लेते हैं, उसी दिन भेज देते हैं और तीसरे दिन में दांत हम लगा देते हैं सीमेंट के द्वारा। एक डेंटल सीमेंट आता है जो उसमें लग जाते हैं और वो क्राउन हम इम्प्लांट के ऊपर फिक्स कर सकते हैं। और एक इम्प्लांट होती है जिसका नाम है सब पेरियोस्टियल इम्प्लांट। सब पेरियोस्टियल इम्प्लांट का मतलब है वो हड्डी के अंदर नहीं जाते हैं, पर वो गम्स जो है, जो मसूड़े होती है, उस मसूड़े को हटा के उसके नीचे डाल के उसको हड्डी के साथ, मतलब हड्डी ऐसे अगर हड्डी है आपका तो इसमें डाल के इसमें स्क्रू डाल देते हैं, तो हर वो जो इम्प्लांट का जो कंपोनेंट सब कुछ है वो गम्स के मसूड़े के अंदर रहते हैं और बाहर ऐसे लंबे लंबे टाइटेनियम के पोल्स रहते हैं जिसके ऊपर दांत बिठाया जा सकता है। ये टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स अभी अवेलेबल है इंडिया में। आमतौर पे अगर आप नॉर्मल इम्प्लांट पे जाते हो, पेशेंट पे तीन या चार बार आना पड़ता है एकदम क्राउन देते वक्त, और अगर इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट पे आप जाते हैं तो पेशेंट को मैक्सिमम तीन बार आना पड़ता है इंक्लूडिंग द डे ऑफ द सर्जरी। इम्प्लांट बनता है टाइटेनियम मटेरियल विच इज अ बायोकॉम्पेटेबल, मतलब जो जीव का शरीर होता है उसे बायोकॉम्पेटेबल होता है। टाइटेनियम आप सुने होंगे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, उसमें भी टाइटेनियम डाला जाता है। तो टाइटेनियम इज अ गुड बॉडी फ्रेंडली मटेरियल। आप टाइटेनियम हड्डी में डाल देते हैं और उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होता है, वो नेचुरल टीथ की तरह काम करते हैं, क्योंकि नेचुरल टीथ में एक रूट होता है वो, और जो टाइटेनियम इम्प्लांट होता है वो भी रूट की तरह काम करते हैं। ऊपर जो नेचुरल टीथ के ऊपर जो दांत दिखता है ऊपर, उसको कैप बोलते हैं हम लोग, वो कैप नॉर्मल इम्प्लांट पे हम लगा देते हैं तो इट विल एक्ट एज ए नॉर्मल टीथ। बट देयर आर सम कॉशंस, मतलब इम्प्लांट कोई भी हो, आर्टिफिशियल मटेरियल है, वो दांत की तरह उतना फोर्स कभी कभी नहीं लेते हैं, तो इसलिए आपको खाने का जो सामान है, जो खाना खाएंगे ना, जैसे आपको नॉर्मल खाना सब कुछ खा सकते हो, पर कोई हार्ड चीज है जैसे कोई हड्डी फिर चने, जो हार्ड चने होते हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है नॉर्मल इम्प्लांट से, क्योंकि वो कभी कभी क्राउन को फाड़ देता है। बिकॉज इफ द फोर्स बहुत ज्यादा होता है ना तो इम्प्लांट में मालूम नहीं चलता है कितने फोर्स से आप खा रहे हो, तो कभी कभी इम्प्लांट ब्रेक भी हो सकता है और क्राउन ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि उसमें नस नहीं रहता इम्प्लांट में। नॉर्मल जो दांत होती है उसमें नसें रहते हैं, तो नसें रहने से क्या होता है, हम लोगों को पता चलता है कितना हम बाइट दे रहे हैं फोर्स, कि हम लोगों को बाइट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये पता लगता है नॉर्मल टीथ में, पर जो इम्प्लांट होती है उसमें कोई पता नहीं लगता। तो इसलिए ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान से खाना चाहिए। ऊपर से जब इम्प्लांट लगाते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस मेंटेन करना पड़ता है, जैसे आपको हर दिन माउथवॉश यूज करना, कुल्ला करना, फिर बोलते हैं इंटरडेंटल टूथब्रश यूज करना, फ्लॉसिंग करना, ये सब आपको मेंटेन करते हुए जाना है जिंदगी भर जब तक इम्प्लांट्स है। इम्प्लांट ज्यादातर चलते हैं, कुछ इम्प्लांट देखिए जो लिटरेचर बोलते हैं 10 साल 20 साल 50 साल के भी इम्प्लांट चल जाते हैं, पर ये डिपेंड कर रहे हैं कैसे आप इम्प्लांट को मेंटेन करते हैं। अगर इम्प्लांट कभी फेल हो गया, लाइक 10 साल 20 साल बाद इम्प्लांट आ गया बाहर कोई भी कारण, तो नए इम्प्लांट उसमें डाल सकते हैं, इसको बदलने का जरूरत नहीं है, कभी इम्प्लांट बदलने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर इम्प्लांट बाहर आ जाए कोई भी कारण मुंह से, तब इम्प्लांट बदले जा सकते हैं, पर ये ज्यादातर 50 साल 60 साल तक टिके रहते हैं, प्रोवाइडेड आपके जो बॉडी है वो इम्प्लांट को कैसे एक्सेप्ट किया, इम्प्लांट को कैसे मेंटेन कर रहे हैं आपके बॉडी, आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं आपके बॉडी, तो ये सब चीजें बहुत सारे चीज इसमें प्ले करते हैं। किसी पेशेंट का बहुत डायबिटीज है, बहुत शुगर है, तो उस टाइम पे रिजेक्शन होने का चांसेस होता है इम्प्लांट्स, और कभी कभी इम्प्लांट्स पे अगर बैक्टीरिया कॉन्टामिनेशन हो जाता है कोई भी कारण, पेशेंट को अगर डायबिटीज ज्यादा है तो बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन होने का चांसेस होती है। ऐसे सिचुएशंस में इम्प्लांट कभी कभी फेल हो सकता है, उसमें पस जम सकता है, वो क्लीन करके सब कुछ क्लीन अप करके डायबिटीज कंट्रोल में लाके फिर इम्प्लांट्स डाला जा सकता है पेशेंट को।
जब इम्प्लांट डाला जाएगा आपको इम्प्लांट डालने के बाद सॉफ्ट खाना से शुरू करना पड़ेगा, जैसे दलिया चावल, दाल चावल, सॉफ्ट खाना, फिर धीरे धीरे थोड़ा हार्ड खाने पे जाना पड़ेगा। च्यूइंग जब करते हैं ना, हार्ड चीजों को च्यू मतलब चबाने के लिए हार्ड चीजें थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, कुल्ला करना पड़ेगा, माउथ वॉश यूज करना पड़ेगा, फिर फ्लॉसिंग करना पड़ेगा और दिन में 2 टाइम ब्रश करना पड़ेगा। अब एंटी माइक्रोबियल टूथपेस्ट आती है, जो एंटीबायोटिक टूथपेस्ट वगैरह आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं रेगुलरली। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आपको स्मोकिंग अगर ज्यादा करते हैं तो इम्प्लांट फेलियर का चांसेस बढ़ जाते हैं, तो स्मोकिंग आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी।